एक समय ऐसा आया कि महाराज के पत्नी का स्वर्गवास हो गया दोस्तों, जो कि वो बच्चा लेकर के महाराज खुद अपने साथ रहते हैं। देखिए महाराज महाराज का दरबार सजा होता है। अरी सहेली सरकार ससरी पुरा कहना चाहता हूँ। हाँ।
मेरे स्वामी जी महल आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर उनका इंतजार कर लूं। पीछे रहो यार, पीछे चिपक के रहो। तो दरबार में तहां किस्मत किस्मतों का मैं करती विनय हूँ परमात्मा का। स्वामी जी कहो, सब ठीक है? ये तुम्हारा बेटा भी ठीक है? ठीक है प्रिय। मैं सोच रहा था कि मेरी माला प्रिय कैसे उदास बैठी है, इसलिए मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ। जी हाँ स्वामी जी। खुश रहो भैया, खुश रहो। Thank you.
सभापति मैं तुमको दरबार में महाराज महाराज बोलो क्या कहना चाहते हैं। सुनो भाई, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो स्वामी ने गल किया हो स्वामी जी, तो स्वामी ने गल किया हो कोई खता Thank you.
हूँ, मैं करण सिंह को अपने बेटे से बढ़ के मानूंगा, चाहे मेरी औलाद रहे या न रहे, लेकिन करण सिंह इस राज में रहेगा। बहुत अच्छा, कहो महाराज। यह मेरा बच्चा करण सिंह, थामिए और बता दीजिए, मेरे बेटे करण सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए। महाराज, ये शासन सेनापति का वादा है, मरते दम तक इस बेटे पर हाथ नहीं आने दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है सर, अब सर से आ जा रहा चाहिए, आ जा रहा हूँ, आराम करूंगा, मेरे बेटे की देखरेख करना। याद रहे, मेरे बेटे करम सिंह को अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी जान की खैर नहीं आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा महाराज, आप बेफिक्र रहिए, आप जाइए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। चाचा है, कहो। अब तब तू जने से तीन जने हो ही गया। कहना क्या चाहता है? अब कौनो चिंता नहीं ना सिंहा बेटा। खैर कोई बात नहीं है, साथ में बोल रहे हो क्या? और का घूमोगे टहलोगे? हाँ प्रिया माला, आ रहे हो इसमें? मेरी बात सुनिए। कहिए स्वामी जी। मैंने महाराज से कसम खाया है। जी हाँ स्वामी जी, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आपके बेटे पर हाथ नहीं आने दूंगा। नहीं आने दूंगी। और इस बच्चे को अपना बच्चा समझ कर पालिए, लो इसे भी अपनी गोद में ले लो। चाची मेरी बात सुनो। अब हम लोग चलते हैं, कुछ खाना पीना की व्यवस्था करिए और खा पी कर आराम करते हैं। चलिए महल, मैं खाना ला दूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। एक कौनी नगरिया बोरे सयादी के डेरा हो, एक कौनी नगरिया बोरे सयादी के डेरा सखी हो, कैसे बना एक ही सखी हो, कैसे जई बना अनजानी बाडगरिया रहा, कैसे जई बना।